So, good morning, everybody. I am Dr. Ravi Singh from Vedika Institute of Technology, RKDF University, Bhopal. And this is our second lecture on basic computer engineering. Today, we will discuss about classification of computers and what are the different generations of computers. In our previous class, we have discussed classification of computer by type, that is analog, digital and hybrid systems. आज हम लोग by size और by purpose discuss करने वाले हैं classification. So by size we are having four different categories: micro, mini, mainframe and supercomputer. So let us discuss all these one by one. सबसे पहले हम लोग सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं. दीज आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स. कैरेक्टराइज एज फास्टेस्ट, वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड ऑफ लार्ज डेटा स्टोरेज. ये फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है और इसका स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होता है. स्टोरेज कैपेसिटी जो है, डेटा को मेंटेन करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. इट इज स्पेशली यूज फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्मल पीपल जो हम जैसे लोग हैं वो लोग इन सिस्टम्स का यूज़ नहीं करते हैं, ये बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं. सर, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल सिस्टम नहीं कर सकते हैं. उन जगह पर इन सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. इनके एग्जाम्पल जैसे नासा, इसरो में इस टाइप के कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन, एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, इसके अंदर भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. ये वो सिस्टम है जिनमें इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है. तो उस ऐसी इमेंस कैलकुलेशन के लिए हमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी. सेकंड कैटेगरी है हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर. सो मेन फ्रेम कंप्यूटर, दीज आर ऑल्सो वेरी लार्ज इन साइज बट स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर. तो ये सुपर कंप्यूटर से स्मॉलर इन साइज होते हैं और सुपर कंप्यूटर से लेस प्रोसेसिंग स्पीड होती है इनकी. ओके, तो दीज आर ऑल्सो वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर बट उनका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी एज वेल एज प्रोसेसिंग कैपेसिटी इट इज स्मॉलर और लोअर देन सुपर कंप्यूटर. एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा ISPs. ISP प्रोवाइडर जो होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. ISP प्रोवाइडर, ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. लाइक आपका BSNL है, एयरटेल है, जो कई सारे शहरों में, कई सारे एरियाज में हमें इंटरनेट की फैसिलिटी देते हैं. तो ये ISPs जो हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं. इट कैन कंट्रोल थाउजेंड ऑफ यूजर्स और थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर साइमल्टेनियसली. 1000 से मतलब हजारों में कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग कंकरेंट प्रोग्राम्स एंड पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. नाउ नेक्स्ट वन इज मिनी कंप्यूटर. जाहिर सी बात है, मिनी कंप्यूटर जो है वो साइज में भी और प्रोसेसिंग स्पीड में भी हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है. ओके, तो ये हमारे सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम से तीसरी कैटेगरी में आता है. बट हार्डवेयर पेरिफेरल कैन बी इजीली अटैच्ड इन दिस मिनी कंप्यूटर. ओके, सो दे कैन हैंडल लार्ज डेटाबेस एंड अकाउंटिंग एफिशिएंटली. डिपार्टमेंट्स ऑफ लार्ज कंपनीज यूजेस दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर्स. लाइक आप लोगों ने आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी का सर्वर रूम देखा होगा, तो वहाँ जो सर्वर्स रखे हुए हैं वो हमारे मिनी कंप्यूटर्स हैं. दे कैन हैंडल हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स इनसाइड आर कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस. वो हमारे मिनी कंप्यूटर्स होते हैं जो कि सर्वर में रखे हुए हैं. ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को चलाते हैं या किसी एक लैब को चलाते हैं, उन्हें हम लोग मिनी कंप्यूटर्स बोलते हैं. नाउ द लास्ट कैटेगरी
इज पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, इसी को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है एज कम्पेयर टू अदर थ्री कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। हार्डवेयर इसमें भी इजीली हम लोग अटैच कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा यही कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारे यही कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स या पीसी भी बोलते हैं इसे, पर्सनल कंप्यूटर्स। तो पीसी सबसे ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि इन सभी कंप्यूटर से कंपेयर में सस्ते भी होते हैं, स्टोरेज कम होती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सफिशेंट होती है। पावरफुल भी होते हैं, हमारे जितने एप्लीकेशन हम लोग रन कर सकते हैं वो इजीली हो जाते हैं पीसीज पर। सो दैट इज़ वाई पीसीज आर ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारी लैब्स में होते हैं, हमारे लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीडीएस, दीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ओके, तो ये हमारी चार कैटेगरीज होती हैं बेसिक साइज के अकॉर्डिंग। नाउ कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन तो इसमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग जनरेशन थी। देर आर फाइव डिफरेंट जनरेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। सो फर्स्ट जनरेशन वॉज बिटवीन 1942 एंड 1955, मिड ऑफ 1940s। सो इस जनरेशन में कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। उस टाइम पर सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स ट्यूब्स ही अवेलेबल थे, और उसके अलावा इसमें हम लोग मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे। हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बट अभी आप ये समझ लीजिए मशीन लैंग्वेज टफेस्ट लैंग्वेज है समझने के लिए। एक एंड यूज़र उसको समझ नहीं सकता है, उतना इजी नहीं होता उसे समझना, लेकिन कंप्यूटर उसे इजीली समझ जाता है, सिस्टम उसे इजीली समझ जाता है। वो मशीन लैंग्वेज होती है, हम नहीं समझ पाते हैं, बट सिस्टम उसे इजीली समझ जाता है। तो इनिशियल जो जनरेशन थी उस टाइम पर मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेज वॉज इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन, तो हर चीज़ जीरो एंड वन में रहती थी। इनपुट वॉज गिवन थ्रू पंच कार्ड्स, पेपर टेप्स एंड रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट। कंप्यूटर वर एज बिग एज रूम इन साइज, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी हाई थी, हमें कूलिंग की भी ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि बिगर इन साइज थे, स्पेस ही बहुत ज़्यादा घेरते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन में हुआ था जब इनिशियली ये सिस्टम आए थे, और दे कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, नॉन पोर्टेबल थे क्योंकि उनका साइज बहुत ज़्यादा था, कॉस्टली कमर्शियल प्रोडक्शन, वेरी स्लो स्पीड। अर्लियर जो सिस्टम बने थे हमारे फर्स्ट जनरेशन में, उनकी स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं थी। देन सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन वॉज फ्रॉम 1955 टू 1964। तो इस जनरेशन में क्या हुआ, इंस्टीड ऑफ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स, दे वर रिप्लेस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर रिप्लेस होने से क्या हुआ, उसका साइज जो था वो रिड्यूस हो गया, कंप्यूटर सिस्टम का जो साइज था वो रिड्यूस हो गया ट्रांजिस्टर का यूज करके। ये बेल लेबोरेटरी में 1947 में साइंटिस्ट ने बनाया था। बेल लेबोरेटरी काफ़ी फेमस लेबोरेटरी जहाँ इस तरह के रिसर्च चलती रहती है। आईबीएम ने सीरीज निकाली थी सेकेंड जनरेशन की, इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ था इंस्टीड ऑफ मशीन लैंग्वेज, दे असेंबली लैंग्वेज वॉज यूज इन दिस जनरेशन। असेंबली लैंग्वेज वॉज इन द फॉर्म ऑफ निमोनिक्स, इंस्टीड ऑफ 01 हम लोग कुछ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके उस लैंग्वेज को, प्रोग्राम्स को लिखा करते थे। तो यूज़र के लिए थोड़ा सा ईजी था एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, यूज़र कैन अंडरस्टैंड और कैन लर्न असेंबली लैंग्वेज ईजीएस्ट, कंज्यूम लेस पावर, फास्ट एंड रिलायबल। लेस पावर मीन्स वी आर कंपेयरिंग विद फर्स्ट जनरेशन, तो एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन इट कंज्यूम लेस पावर, इट इज फास्टर एंड रिलायबल एज कम्पेयर टू द कंप्यूटर्स अवेलेबल इन द फर्स्ट जनरेशन।
साइज ऑफ कंप्यूटर डेफिनेटली केम डाउन बिकॉज इस टाइम पर कंप्यूटर्स हमारे ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, प्राइस भी उसकी रिड्यूस हो गई। उसके अलावा इसमें फास्ट पेरिफेरल डिवाइसेस भी यूज होते थे, मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, प्रिंटर, और इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी। बट यस, कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत थी इसमें भी। नाउ थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन कम्स बिटवीन 1964 एंड 1975। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि बजाय ट्रांजिस्टर के हम लोगों ने आईसीज का यूज़ किया, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जो चिप्स होती हैं उनका हमने यूज़ किया। तो उससे हमारा जो साइज था वो एकदम ही रिड्यूस हो गया, काफ़ी छोटे छोटे सिस्टम आने लगे, तो वो पोर्टेबल हो गए, हम एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर सकते थे इजीली, पोर्टेबल हो गए, प्लस उनका साइज जो था वो रिड्यूस हो गया, एनर्जी भी बहुत कम कंज्यूम करते थे, रिलायबल ज़्यादा थे, हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस करते थे। उसमें फैन भी हमारा आ गया जो कि हीट को थोड़ा बहुत कूलिंग कूलिंग का काम किया करता था। ओके, तो साइज ऑफ एन आईसी इज अबाउट 1/4 स्क्वायर इंच, इतना छोटा होता है आईसी। और सिंगल आईसी मे कंटेन 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर, 1000, तो हजारों ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप में हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या उसके अंदर डाल सकते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो हमारी जो कंप्यूटर का साइज था वो एकदम ही स्मॉल हो गया थर्ड जनरेशन। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज सी एंड कोबोल वॉज यूज, सी और कोबोल लैंग्वेज यूज होने लगी, तो यूजर के लिए इसको समझना थोड़ा आसान हो गया। कीबोर्ड्स का यूज होने लगा, प्लस मॉनिटर्स का यूज होने लगा एज द आउटपुट आउटपुट डिवाइस। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होने लगे। जब हमारा लैंग्वेज का सेक्शन आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती हैं, तब इसको डिटेल में देखेंगे हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारी बढ़ गई, एक्यूरेसी हमारी बढ़ गई, माउस और कीबोर्ड का यूज़ होने लगा, तो थोड़ा ईजी हो गया यूज़र्स के लिए। देन फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारी 1971 से अभी भी चली आ रही है। फोर्थ जनरेशन में हमने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हो गया। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ आईसी, हजारों आईसीज माइक्रो प्रोसेसर रखता है। तो इस वजह से हमारा जो साइज था वो और भी स्मॉलर हो गया, रिड्यूस हो गया। तो 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना था 4004, इट वॉज डेवलप्ड बाय इंटेल। तो इंटेल ने ये माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। देन LSI एंड VLSI सर्किट्स डिज़ाइन होने लगे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर हमारे एक ही आईसी में आने लगे, तो इससे जो साइज था वो एकदम से रिड्यूस हो गया हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, ओवरऑल जो कंप्यूटर था हमारा उसका। ये हमारी फोर्थ जनरेशन। इस टाइम पर हमारा एप्पल IBM PCs आने लगे थे। ओके, तो इंस्टीड ऑफ सी और कोबोल SQL का यूज़ होने लगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होने लगा, और SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे SQL होता क्या है, बट इट इज़ ऑल्सो इट इज़ ईजियर एज कम्पेयर टू सी और कोबोल। छोटे मोटे कम इंस्ट्रक्शन सेट्स में ज़्यादा काम हम लोग ले सकते हैं SQL से। अगर सी में हम वही काम करें तो चला हमें वो ज़रा से काम के लिए 1000 लाइन्स लिखनी पड़ रही हैं, SQL में कुछ लाइन्स में कुछ कमांड्स में काम हो जाता है, इसलिए SQL ज़्यादा ईजियर है यूज़ करने के लिए, सीखने में थोड़ा सा टफ है। ओके, तो हमारी स्पीड भी बढ़ गई, रिलायबिलिटी भी बढ़ गई, एंड इट ऑल्सो कंज्यूम्स लो पावर और लो एनर्जी। साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर वर कट डाउन। ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस वर यूज्ड।
माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ से हमें इतने सारे फायदे हुए उसमें। देन हमारा लास्ट आता है फिफ्थ जनरेशन, जो कि प्रेजेंट से अभी जो चल रहा है और इससे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम में रोबोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आर्टिफिशियली सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाना। एक ह्यूमन जैसे सोचता है वैसे ही कंप्यूटर को वैसा सोचना और वैसा सिखाना उसे कि आप भी ऐसा सोच के अपने डिसीजन ले सकते हैं। अभी क्या हो रहा था 4 जनरेशन तक कि कंप्यूटर खुद से कुछ भी सोच नहीं सकता था। उसे जो कमांड आपने दिया इट कैन परफॉर्म ओनली दोज पर्टिकुलर ऑपरेशंस। वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं कर सकता था। बट आज की जो जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं, जिसे कि अर्लियर जो भी केसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन किया जाता है और फिर वो आने वाले केसेस में अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दीज आर कंप्यूटर्स आर स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेट। यूज ऑफ क्वांटम मॉलिकुलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटर्स इन कमिंग ईयर्स। तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स एंड ह्यूमन रीजनिंग। हम जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो कंप्यूटर समझ जाता है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। ये पॉसिबल कैसे होता है कि वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सेंस करके हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। तो साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर्स। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्यूटर विद रियल IQ विद द हेल्प ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी। IBM इसे काफ़ी आगे तक ले जा चुका है ऑलरेडी। सो द एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज विल रिवोल्यूशनराइज द कंप्यूटर इन फ्यूचर, दैट इज डेफिनेट। तो ये हमारा आज का शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर सिस्टम। कितने तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कितने तरह के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये सभी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में।